हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी एट्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार बाईस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले आज के प्रिलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में टिगरे रीजन इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन इन न्यूज़ ज लोकेटेड इन कहाँ पर लोकेटेड है टिगरी रीजन बहुत ही आसान सवाल है ऑप्शन आपके सामने सीरिया नाइजीरिया इथियोपिया या बुरकी नफासो बहुत ही आसान सवाल है इसका तो आंसर ही बताने लायक नहीं है इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट कह रहा है एलसीएच इज द फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विच इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई डी आर डी ओ सेकंड स्टेटमेंट है इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड

जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने इसको बनाया तो एच ए एल हॉल ने इसको बनाया है ना कि डीआरडीओ ने सो एल सी एच इज द फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीरोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विच इज डिजाइन एंड मैनुफैक्चर्ड बाय हॉल तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड ट्रेन एंड कैरिंग आउट प्रोजीजन स्ट्राइक्स एट हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन तीसरा है खांग खुई केव वॉज इन न्यूज रिसेंटली ये लोकेटेड कहाँ पर है खांग खुई केव न्यूज में थी कल ही न्यूज में थी मैंने आपको बताई भी थी ये न्यूज आपको बताना है कहाँ लोकेटेड है ऑप्शन सारे रहे मिजोरम बी मणिपुर सी मेघालय डी म्यांमार द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी मणिपुर कल खांग खुई लेक हमने आ, केव हमने पढ़ी थी ना बैट कम्युनिटी को रिमूव किया गया था फॉर टूरिज्म एंड ऑल तो वो उसके कारण था आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे है

ने प्रिंसिपल दिया वन डेटा वन एंट्री अगर एक ही डेटा है तो उसकी एक बार ही एंट्री होनी चाहिए रेस्ट ऑफ अदर शुड यूज दैट डेटा है ना एंड यहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया NIA का कि NIA को ये टास्क दिया गया है कि NIA शुड मेंटेन द नेशनल टेरर डेटाबेस पूरे नेशनल टेरर डेटा डेटाबेस को मेंटेन करने का टास्क किसका है NIA के पास है है ना और इन्फोर्समेंट uh, डायरेक्टरेट के पास डेटा होना चाहिए फाइनेंशियल क्राइम्स का एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास डेटा होना चाहिए नारको क्राइम्स का तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी में होना चाहिए जैसे कि फाइनेंशियल क्राइम्स का डेटा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास टेरर रिलेटेड डेटा पूरा एन के पास और नारकोट का नारको क्राइम्स का डेटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इसके अलावा जो uh, हमारे होम मिनिस्टर हैं सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये भी दिया कि जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है यानी नाइट ग्रिड जो है वो चूंकि ऑपरेशनल है तो उसका यूज करने की जरूरत है नेटग्रिड जो कि ऑपरेशनल है उसका यूज करने की जरूरत है और नेटग्रिड के पास ग्यारह एजेंसीज़ का डेटा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाता है नेटग्रिड क्या करता है इट ब्रिंग्स द डेटा ऑफ इलेवन एजेंसीज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म तो इसमें की फिर जो डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी है वो हो सकती है मतलब किसी एक एजेंसी को अगर दूसरे का डेटा चाहिए कुछ और डेटा चाहिए तो वो उससे ले सकता है ठीक है ना फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नैट ग्रेड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि द नेचर ऑफ क्राइम्स इज चेंजिंग द नेचर ऑफ क्राइम्स इज टेन चेंजिंग एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर बॉर्डरलेस दैट इज द रीजन वाई स्टेट्स विल हैव टू बैटल दीज बाई हैंग अमन स्ट्रेटजी एंड ऐसा नहीं कर सकते स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज रखें दे विल हैव टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म अ कामन स्ट्रैटजी सिंस द नेचर ऑफ क्राइम्स इज बिकमिंग बॉर्डरलेस है ना इस पर एक चीज और आपको जोड़नी जरूर है लेकिन यह जो लॉ एंड ऑर्डर है यह स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर इज अटेट सब्जेक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुड इंटरवीन इन द मैटर्स कंसर्निंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड दिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम कैंसेंड एडवाइजरीज टू द स्टेट है ना तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर वैसे स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर चाहे तो यह इंटरवीन कर सकता है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड ये एडवाइजरी भी सेंड कर सकता है स्टेट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम तो दीज आर पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ टू कॉम्बैट द कॉम्बैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फ्रॉम एट दिस मूवमेंट तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो बताई गई आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं। देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव अहेड विद मी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल न्यूज़ नहीं है इसलिए आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है सेकेंड न्यूज़ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की मैंने उठाई है क्यों क्योंकि झारखंड गवर्नर या और यहां पे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं रिगार्डिंग दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस केस तो यहां पे बस वो केस क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कहता है कि जो एमपीज होते हैं जो इस तरह के एमएलए होते हैं दे नॉट होल्ड दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है ना अदरवाइज दे विल बी लाइवल फॉर डिस्कालीफिकेशन तो ये डिसक्फिकेशन का प्रावधान कहां पर है तो मैं आपको बता दू आर्टिकल हंड्रेड एंड टू सबसेक्शन वन उसका सबसेक्शन ए ठीक है ना आर्टिकल 102 का सेक्शन एक उसका सब सेक्शन ए जो है वन हंड्रेड टू वन ए जो है और वन नाइन्टी वन वन ए जो है मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का वन हंड्रेड एंड टू वन ए और सेंट या आपका स्टेट गवर्नमेंट का वन नाइन्टी वन वन ए जो है वो कहता है अ पर्सन सेल बी डिसकॉलीफाइड फॉर बींग चूज इन एज एंड एज एंड फॉर बींग अम्बर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ए इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्कालीफाइड होल्डर मतलब कि अगर वो किसी ऐसे ऑफिस में है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है मतलब कि तो फिर उस व्यक्ति को डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा ठीक है ना तो एम पी एम एल ए ऐसे होल्ड नहीं कर सकते आर्टिकल वन जीरो टू वन ए और आर्टिकल वन नाइनटी वन वन एसा कहता है ठीक है ना दैट इज अथ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब देखेंगे वहां पे भी लिखा हुआ है कि होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्कालीफिकेशन मतलब कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है डिस्कवालीफिकेशन की और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी लिखी गई तो यूपीएससी सीजे आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है या फिर आपको कह सकता है केवल कॉन्स्टिट्यूशन में, में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं है तो याद रखेंगे दोनों जगह पर ठीक है ना अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वैसे तो कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है लेकिन हाँ ये ओवर द ईयर्स डेफिनीशन बढ़ती जा रही है और इसमें अभी जो इंटरप्रिटेशन है उसका ये है कि इट इज़ अ पोजिशन दैट ब्रिंग्स टू द ऑफिस होल्डर सम फिनेंशियल गेन और सम एडवांटेज और सम बेनिफिट ठीक है ना एक ऐसी ऑफिस जो आपको या तो कोई फाइनेंशियल गेन दे या कोई दूसरा अनडिव एडवांटेज दे या कोई दूसरा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे है ना तो ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपको हो वो हो मतलब कि उसको काउंट ना किया जा सके उसका प्रॉफिट लेकिन अगर आपको एडवांटेज या कोई abs, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म में भी बेनिफिट उसका मिल रहा है तो दैट विल बी एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनफैक्ट उन्नीस यानी कि नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट कहा था फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसमें उन्होंने चार पूछे थे पहला वेदर द गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेकंड वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट थर्ड वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द डिटरेशन फोर्थ वॉट इज द सोर्स ऑफ रिम्यूनरेशन एंड फिफ्थ द पावर दैट कम्स विद द पोजिशन तो ये सारी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि इन क्वेश्चन के अगर आंसर यस में आ रहे हैं इसका मतलब है कि फिर दैट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आ गया होगा तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल था जिसके बारे में बताना था अब कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि क्यों नहीं नोट्स में हम गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश की फ़ोटो क्यों नहीं रखते हैं तो अब यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कॉइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेज डेट्स बैक टू कुशणाज़ मतलब कि बहुत पहले से हमारे इंडिया में ऐसा टाइम चल रहा है जब गॉड्स एंड गॉडेज के इमेजेस हम यूज़ करते आ रहे हैं ये न्यूज़ आइटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप इसको नोट कर लीजिए जी के आस्पेक्ट से और आपका प्रिलिम्स के आस्पेक्ट से तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियल

तो याद रखेगा कुशनाज वर द फर्स्ट टू यूज़ द इमेजेस ऑफ गॉडस लक्ष्मी ऑन देयर कॉइंस है ना एंड इसके अलावा वो आरदो आरदो चो आरदो चोसो की भी इमेजेस यूज़ करते थे हु वॉज द इरानिक गोडिस ऑफ वेल्थ याद रखेगा आरडो आरडोक्सो आरडोक्सो वॉज द इरानिक गॉडेज ऑफ वेल्थ आरडोक्सो की भी इमेजेस यूज़ करते थे कुशनाज़ ऑल्सो डिपिक्टेड ईशो याद रखेगा ईशो है ये ईशो नहीं है ईशो की इमेजेस यानी कि शिवा की इमेजेस यूज़ करते थे डिपेक्टेड ये ईशो एज़ वेल वाज शिवा इसके अलावा मून डीटी मिरो मीरो एंड बुद्धा तो मून डीटी मिरो मीरो वॉज ऑल्सो इन देयर कॉइंस एंड बुद्धा वाज आल्सो तो हमने क्या क्या देखा गॉडेस लक्ष्मी इसके अलावा आर्डोक्सो ईरानिक गॉडेस ऑफ वेल्थ देन इसके अलावा ईशो शिवा मून डीटी मीरो एंड बुद्धा उनके कॉइनेज में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा विजयनगर किंग्स ऑल्सो यूजड कॉइनेज विद हिंदू आइडल्स हरिहर और बुक्का का नाम सुना होगा ना हरिहर टू जो थे ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉइंस दैट हैड ब्रह्म ब्रह्म सरस्वती एंड विष्णु लक्ष्मी एंड शिव पार्वती तो हरिहर टू ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी एंड शिव पार्वती का इमेज देन uh, कॉन्स विद गॉड लक्ष्मी वॉज रिशूड बाय मोहम्मद बिन साम तो मोहम्मद बिन सैम जो था हुज़ नोन टू अस एज मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी uh, जो था ना uh, उसका नाम था मोहम्मद बिन साम उसने जब पृथ्वीराज चौहान जी को बैटल ऑफ तराइन में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हराया था ग्यारह सौ बानवे में उसके बाद उसने गॉडिस लक्ष्मी के काइंस इशू किए थे कॉइन्स विद गॉडेस लक्ष्मी मोहम्मद बिन साम जिसको कि मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स ये जरूर नोट कर लेना ये क्वेश्चन आ सकता है और इसको याद रखना ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है बेंगलुरुज फर्म फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर विंस पी एस एस क्लीन वाटर बॉडी चैलेंज अब यहाँ पर एक फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर एफ़ टी बी डेवलप किया गया है एफ़ टी बी डेवलप किया गया है एक बेंगलुरु का फर्म है उसने ये, फ, ये आपका याद रखेगा फ़्लोटिंग ट्रैश बैरियर ये पानी के ऊपर जैसे ये दिख रहा है ना आपको ये फ्लोट करता हुआ रखा रह, कर रहता है और इसको अभी uh, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने अवार्ड दिया है फॉर रिस्टोरिंग द इंडियाज़ वाटर बॉडीज़ चैलेंज है ना तो क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज़ वाटर बॉडी चैलेंज था उसके अंतर्गत ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने ये अवार्ड दिया है फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर को और ये फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर जो है वो अल्फ़ा मर्स नाम की अल्फ़ा मर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया है और याद रखेगा कि इसने इसका डिप्लॉयमेंट किया गया है कोम रिवर जो कि चेन्नई में है कोम चेन्नई में और इसके अलावा मूसी हैदराबाद में इसको यूज़ किया गया है कोम चेन्नई और मूसी हैदराबाद में, है, में और बेंगलुरु में जो लेक्स uh, हैं uh, नागवारा एंड uh, दसरा हल्ली याद रखिएगा नागवारा एंड दसरा हल्ली इन दोनों लेक्स में भी यूज किया गया है तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में पहला एडिटोरियल है द ओल्ड बट रेलिवेंट डिस्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो देखो अब ये आर्टिकल है एक्चुअली यूक्रेन और रशिया के वॉर के ऊपर कि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर जो है ख़त्म होता दिख नहीं रहा है और फ्यूचर में और बढ़ सकता है और ऐसे में किस तरीके से यू और जो नेटो है वो इंटरफेयर ना करे फिलहाल तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से रशिया और जब यू uh, यानी कि दो न्यूक्लियर पावर जब आती हैं आमने सामने तो कैसे फिर वो न्यूक्लियर थ्रेट लेकर के आती है अपने आप में ठीक है ना तो न्यूक्लियर थ्रेट लेकर आती है इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज दैट की द टू न्यूक्लियर पावर सुपर पावर शुड स्टेयर क्लियर ऑफ एनी डायरेक्ट कंफ्रंटेशन जैसा कि ये देखो लिखा भी है द की लेसन लर्न फ्रॉम द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज दैट द टू न्यूक्लियर सुपर पावर शुड ऑलवेज स्टेयर क्लियर ऑफ एनी डायरेक्ट

आउट इन रीजन दूसरे रीजन में स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी पैराडॉक्स कहा जाता है ठीक है ना क्योंकि दूसरे कंट्री के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको पता है कि हम पहले अटैक कर देंगे लेकिन सामने वाली कंट्री के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और वो जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी वो हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा है ना तो दैट इज़ एक्चुअली द स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी पैराडॉक्स एंड ये आपको याद रखना है ठीक है ना अब आपको थोड़ा सा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का वैसे तो आपको पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर उन्नीस अक्टूबर नाइनटीन का एक्चुअली आज अट्ठाईस अक्टूबर है ना आज ही के दिन वो आ, जो जॉन एफ कैनेडी थे उनके साथ कुछ कुछ बातचीत करके इसको फाइनली आउट किया गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को इसलिए शायद ये आर्टिकल लिखा हो राकेश सूद जी ने तो मिसाइल क्राइसिस क्राइसिस अक्टूबर में एक थी थी जो जो कि हुई और और उसमें कोल्ड वॉर चल रहा था और जो रशिया थे दोनों सामने आमने सामने आमने आ गए थे war, थे एंड दे वर ऑन द द ब्रिंक ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर वॉर के बतिस्ता को रिमूव करके कौन आया वहां फिदल फिद कास्त्रो आए अब जब फिदल कास्त्रो आए, 1959 में तो ये प्रो रशियन था यानी कि प्रो कम्युनिस्ट था और यूएसए इससे खुश नहीं था तो यूएसए जो उस समय आइजन डॉइड आइजन आर जो था 1959 में उसने डिसाइड किया कि भैया फिदल कास्त्रो को एलिमिनेट करना है इसलिए 1961 में उसने एक इन्वेजन भी किया था जिसको बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है तो बे ऑफ पिग्स करके वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इन्वेड किया और वो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बाद वो फेल हो गई अटैम्प बे ऑफ पिग्स इन्वेजन फेल हो गया और इसके बाद जो निकिता खुरशेव निकिता खुरशेव जो था निकिता खुरशेव गया रशिया के पास और रशिया ने पूरे क्यूबा के मैप में पूरा क्यूबा की जो बाउंड्री अगर माल अगर सपोज़ अगर दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ क्यूबा इस तरीके से कुछ क्यूबा का मैप दिखता है तो आप देखेंगे जॉन एफ कैनेडी और उस समय ये दो लीडर्स थे जो कि न्यूज में थे आई होप यू विल रिमेंबर देयर नेम और यह या आप याद रखेगा और यहाँ पे ऑथर ने एक सजेशन ये भी दिया कि भैया जो दूसरी कंट्रीज उनके लिए काम ये वो ग्लोबल डिप्लोमेसी का यूज करें फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया भी जी ट्वेंटी का चेयर है नेक्स्ट ईयर इंडिया जो है वो जी ट्वेंटी का चेयर बन जाएगा तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि दे टू ब्रिंग सम मॉडरेशन इन द एफर्ट्स ऑफ रशिया जो रशिया है उसके अंदर थोड़ा मॉडरेशन लेकर के आएं और उसको मतलब उसको खत्म करने का कोशिश करवाएं तो द रोल ऑफ डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंग फोर्स से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा तो दिस इज वॉट इज द मैसेज अगला जो न्यूज़ एडिटोरियल है वो है फिरोज गांधी के द्वारा लिखा हुआ द डिसमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स द डिस्मल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड अब ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट्स रिसेंट एफर्ट्स टू रिड्यूज द नंबर ऑफ स्कीम्स आपको अगर पता हो तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी केवल तीन स्कीम्स बची हैं आउट ऑफ नाइनटीन केवल तीन स्कीम्स हैं वो है मिशन सक, शक्ति मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण टू पॉइंट जीरो स्कीम तो ये तीन स्कीम्स बची हैं अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो मिशन शक्ति है वो चौदह स्कीम्स को एलिमिनेट करके बनाई गई है मिशन शक्ति चौदह स्कीम्स को एलिमिनेट करके बनाई गई है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी आती है इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ़ एनिमल हजबेंड्री जो है वहाँ पर केवल दो स्कीम्स बची हैं आउट ऑफ ट्वेल्व है ना एंड एडिशनली मिनिस्ट्री हैज एंडेड थ्री स्कीम्स विच इंक्लूडेड डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स

जा रहा है मनरेगा का फंड आप देखोगे तो वो रिड्यूस कर दिया गया है है ना जो एलोकेशन एन के फर्टिलाइजर्स के लिए यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए था वो 35 परसेंट तक रिड्यूस किया जा चुका है मनरेगा का ऑलरेडी हमने बता दिया कि इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसका फंड रिड्यूस कर दिया गया जबकि इन सब स्कीम्स की जरूरत भी है ऐसा नहीं कि इनकी ज़रूरत नहीं है ठीक है ना न केवल ये ऑथर्न एग्जाम्पल देखिए हेल्थ का अगर आप आस्पेक्ट देखें तो एकडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो आशा वर्कर्स हैं हु आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स उनकी सैलरी डिले हो रही है छः छः महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है जहा पे एक तरफ उनका रेगुलराइजेशन ऑफ देयर जॉब्स होना चाहिए था वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं उनको वेजेस तक नहीं दिए जा रहे हैं है ना और वो उनका जो वेजेस है वो भी अभी मिनिमम लेवल पे ही है तो ऑथर ने एग्जांपल दिया इसके अलावा बायोडावर्सिटी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट एंड ये भी डिक्लाइन कर चुका है तो वाइल्ड लाइफ के लिए एलोकेशन था वो भी डिक्लाइन कर चुका है प्रोजेक्ट uh, टाइगर के लिए एलोकेशन डिक्लाइन कर दिया गया है मतलब तीन करोड़ से घटा करके एक करोड़ रुपए ला दिया गया है तो दर्टिन

आपको क्या करने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन डाउन साइजिंग द स्कीम्स एंड ऑल यू शुड यू शुड गिव अ क्लियर डायरेक्ट करेक्ट साइज फॉर द गवर्नमेंट आपको ये देखना चाहिए जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसमें आपने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वो सही करो डिमोनाटाइजेशन आपने कर दिया था बिना सोचे समझे ये सब चीज़ें जो आपको सही करनी चाहिए वो आपने सही नहीं की आपने क्या कर दिया स्कीम्स काट दी ये कर दी वो कर दी है ना तो ये इससे इस काम नहीं चलेगा दीज आर द चैलेंजेस दैट नीड टू बी डेल्ट विद द एफिशिएंट सिविल सर्विसेज हमको एफिशिएंट सिविल सर्विसेज बनानी पड़ेगी एफिशियंट हमको टीचर्स रखने पड़ेंगे एफिशियट डॉक्टर्स डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे करप्शन फ्री वेलफेयर सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाकर के हमारी मॉडर्न इकॉमी जो है वो सही से काम कर पाएगी ठीक है ना और गवर्नमेंट स्कीम्स कम करने से कम नहीं कुछ काम नहीं होगा हमें अपने एस्पिरेशंस बढ़ाने पड़ेंगे और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है जो चैनल है उसको हम अच्छा बनाएं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के चैनल्स को हम अच्छा बनाएं दिस इज़ द थिंग दैट वी शुड लुक आफ्टर ठीक है ना तो दिस इज वॉट हैज़ बिन इन दिस न्यूज़ आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगली न्यूज़ है टर्कीज़ लेटेस्ट डिस इन्फॉर्मेशन लॉ आपको पता होना चाहिए कि टर्की की पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने एक डिस इन्फॉर्मेशन लॉ निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि जेल टर्म तीन साल तक का दिया जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया में या किसी जर्नलिस्ट ने डिसिनफॉर्मेशन फैलाई अब देखो इसका क्रिटिक ये है कि डिसइनफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या है डिसनफॉर्मेशन और कह दिया है और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ऑलरेडी जो टर्की की गवर्नमेंट है वो रहती है तो लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाएगा और कुछ

कौन निकालता है आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन द कमेंट सेक्शन मिलो आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं यहाँ पे पीएम एम टुल्ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ सी टू नाइन्टी फाइव एयरक्राफ्ट प्लांट इन गुजरात अब गुजरात वडोदरा में सी टू नाइनटी फाइव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी बनाई जा रही है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि टी ए ने यह फैसिलिटी बनाई है एंड दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी क्योंकि सी टू जो है एक एयरक्राफ्ट है जो कि पाँच से दस टन कैपेसिटी का होता है विच इज़ यूज फॉर टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ अप टू फिफ्ट पैसेंजर्स ठीक है ना टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और अफ टू सेवेंटीजर्स और फिफ्टी पैरा ट्रुपर्स एंड फॉर लॉजिस्टिक्स टू लॉजिस्टिकोकेशन दैट आर नॉट एक्सेसिबल बाई करेंट है एयरक्राफ्ट तो जो लोकेशन करंट है एयरक्राफ्ट से एक्सेबल नहीं है उन जगहों पर अगर कोई टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट करना है पैसेंजर्स का या पैरा ट्रुपर्स का तो वो किया जा सकता है बिल्कुल कम समय में ठीक है ना एंड दे कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर एयर स्ट्रिप्स एज वेल एंड ये जो फैसिलिटी है वडोदरा में इट विल एक्ट एज द

ये किया गया है बाई इन्वॉल्विंग अ टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बार बारनेस एंड बार स्टार जीन सिस्टम ठीक है ना तो याद रखिएगा इसमें आ, बार बारनेस एंड बारस्टार जीन सिस्टम के यूज़ के साथ बारनेस क्या है ये एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए बारनेस क्या होता है तो बारनेस एक्चुअली में एक बैक्टीरियल प्रोटीन होता है बारनेस क्या है एक बैक्टीरियल प्रोटीन होता है और दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट बारनेस एक बैक्टीरियल प्रोटीन होता है और इसमें जो बार लास्ट में यूज किया जा रहा है ना बार जो बार यूज किया जा रहा है बा, बार जीन वो इसको मतलब ग्लूफोसिनेट रेजिस्टेंस बनाता है बार जीन ही ऐसा जीन है जो इसको ग्लूफोसिनेट

बेसिकली क्या करेगा एग्रीमेंट e. के थ्रू क्या कर सकते हैं दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं और वैसे तो ये टेक्निकली वॉर में रहते हैं बट नाउ दे विल हैव दिस डील विद देम है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू ले वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड नाइस डे